जोहार जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने लगाए हुए लॉकडाउन से न केवल आम लोगों का जनजीवन बंद था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि संसद का कामकाज भी 29 मार्च से बंद रखा गया था। अब 14 सितंबर से संसद फिर से शुरू होगी, जिसे संसद का मानसून सत्र कहा जाता है। इस बार इसकी विशेषता यह है कि संसद के इस सत्र में प्रश्नकाल ही नहीं होगा। सामान्यतया लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना प्रत्येक संसद सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चूंकि सदस्य प्रश्न के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों संबंधी सरकारी नीतियों पर पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। अब सवाल निर्माण होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार संसद के अंदर प्रश्नों से क्यों बच रही है। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के लोकतांत्रिक तरीकों को या ढांचे को समझना जरूरी है। दुनिया में संसदीय लोकतंत्र के दो प्रचलित तरीके हैं, जिनमें से एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और साथ में ही कुछ कमियां खामियां भी है। इसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की विशेषता यह है कि वह स्थिर होती है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो वहां पर बिल्कुल भी असामान्य परिस्थिति में प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट का जितना कार्यकाल होगा उतने समय के लिए वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बना रहेगा, यानी वह सरकार किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहेगी। यह उसकी विशेषता है। ऐसे ही उसकी एक बड़ी कमी भी है कि अगर कोई प्रेसिडेंट जन विरोधी निर्णय ले रहा है तो भी उसे हटाया नहीं जा सकता, जब तक कि उस पर महाभियोग न चलाया जाए। जनता के विरोध में काम करने वाले प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हटाया नहीं जा सकता, उसको सरकार को गिराया नहीं जा सकता। ये उसमें खामी है। अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। उसकी विशेषता है जवाबदेही, यानी जनता के प्रति अपने कार्यों के बारे में जवाब देना। उसकी खामी यह है कि उसमें स्थिरता नहीं होती। ऐसी सरकार कभी भी गिर सकती है, उसे गिराया जा सकता है। भारत में लोकतंत्र के निर्माताओं ने, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका रही है, उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चुना, यानी उन्होंने स्थिरता के बजाय जवाबदेही को चुना। वे ऐसा मानते थे कि भले ही देश की सरकार 5 साल न चले, लेकिन वह जनता के प्रति अपने कार्यों के बारे में जवाबदेही होनी चाहिए और सरकार से या सत्ता पक्ष से जवाब मांगने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, जो संसद के अंदर और संसद के बाहर सवाल कर सकती है। संसद के बाहर किए गए सवालों के जवाब सत्ता पक्ष भले ही ना दे, लेकिन संसद के अंदर पूछे गए सवालों के जवाब सरकार को देना बंधनकारक होता है, जिसे वे टाल नहीं सकते। और वर्तमान केंद्र सरकार ने न केवल सवालों को टाल दिया है, बल्कि सवालों के लिए रखा गया प्रश्नकाल ही टाल दिया गया है। मोदी सरकार ने प्रश्नकाल समाप्त करने के पीछे कोरोना संक्रमण का कारण बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के बचाव में कहा कि सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी भी वहां उपस्थित रहना उन्हें भी वहां पर उपस्थित रहना पड़ता है और इससे संसद में भीड़ हो जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं होगा। लेकिन शायद राजनाथ सिंह ये भूल गए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इस पर एक उपाय है, जिसके चलते संबंधित अधिकारी अपने घर में बैठकर या ऑफिस में बैठकर कार्यालय में बैठकर ही संसद के प्रश्नकाल का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन प्रश्नकाल रद्द करके
सरकार जवाबदेही से बच रही है। देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी से लोगों का बचाने का नियोजन, बिना प्लानिंग से किया हुआ लॉकडाउन और उससे उभरी हुई समस्याएं, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की आत्महत्याएं, निजीकरण, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसके जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है और इसीलिए उन्होंने संसद का प्रश्नकाल ही खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि संसदीय इतिहास में पहली बार प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, पहले भी कई अलग अलग कारणों के चलते संसद में प्रश्नकाल नहीं हुए हैं। साल 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009 में भी ऐसा हो चुका है कि संसद की कार्यवाही तो चली है लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुए। इसका मतलब है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों भी लोकतंत्र में जवाबदेही को नहीं मानते हैं और देश को तानाशाही की तरफ लेकर जा रहे हैं।